हेलो एवरीबॉडी, मैं अमित भटनागर सिने स्पीक से आज आप सबको का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान, जो कि हमारा सौभाग्य है उनके साथ में आज बैठ के उनसे बातें करने का, श्री बाबाई राम रहीम जी, आपका स्वागत है जी। आशीर्वाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी ये तीसरी मूवी है, पिक्चर है जो आ रही है। पहली मूवी में आपने कई मैसेजेस दिए हैं, इस मूवी में आपने जो लॉयन हार्ट एक वॉरियर का आपने रूप लिया है, तो इसमें और पहले दो मूवी इसमें क्या अंतर है और इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। जी, पहले जो दो मूवी आई हैं उनमें हम एज ए गुरु आए हैं, और जो लॉयन हार्ट मूवी आ रही है इसमें हम एज ए वॉरियर यानी एक किरदार को निभा रहे हैं फर्स्ट टाइम। और जो राजपूत योद्धा है आज से 300 साल पहले हुआ, पर आज का वो हम क्योंकि ट्रिपल रोल में इसमें हम नजर आएंगे, तो आज के रोल में वो एक टॉप सीक्रेट एजेंट है और पहले वो एक योद्धा है। तो उसकी पूरी स्टोरी है कि कैसे वो माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता था, धरती माँ की रक्षा करता था, कि आज के नौजवान उससे शिक्षा लें कि अगर आप में मर्दानगी है तो इज्जत बचाओ, लूटना कोई मर्दानगी नहीं है तो कायरता है। तो आज के बच्चों को ऐसे बहुत सारे संदेश एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि ये पूरी पारिवारिक स्टोरी है, इसमें इस लॉयन हार्ट की एक पत्नी है, दो बच्चे हैं उनके साथ, एक सॉन्ग भी है, तो हमें लगता है कुछ अलग दूसरी जो हमारी दो फिल्में आई हैं उनसे अलग मिलेगा। अच्छा, सॉन्ग से ये बात निकली है तो इसमें हमने सुना है, इसमें शायद आपने गाना भी अपना आपने खुद उसमें गाया है। जी जी हाँ जी हाँ, दोनों सॉन्ग हमने दो सॉन्ग हैं और दोनों ही गाते हैं, बनाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, हर चीज मतलब इसमें हमने। तो दो लाइन अगर आप थोड़ा सा उसका बताएं करना चाहें। जी जी, ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा, चारों तरफ ओरी जिल मिल, इज्जत का रखवाला, शेर दिल शेर दिल शेर दिल। सर, आपकी मूवी में काफी वीएफएक्स इफेक्ट रहता है, काफी ज्यादा उसमें दिखाते हैं कि जो रहता है, तो आपको लगता है कि आजकल की पिक्चरों में थोड़ा सा ये जरूरी है, और आप इस चीज को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं करना? हम जो वीएफएक्स का काम दिखा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आप देखो, बड़े बड़े राक्षसों को पकड़ के गिराते हैं, पर फिल्म में देखेंगे वो पावर आई कहाँ से, कि वो एक पावर मेडिटेशन से आती है। पहले ऐसे होता था, हमारे पूर्वज संत पीर फकीर जो होते थे, पानी पे चलना, हवा में उड़ना, हवा में समाधि लगाना, एक सेकंड में सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल जाना, मतलब ये हुआ करता था। तो आज उसे वीएफएक्स कहा जाता है, पहले नेचुरली होता था। तो हम दिखाते वो नेचुरली होता कैसे था, इसमें वीएफएक्स यूज कर रहे हैं लेकिन नेचुरली होता था, वो दिखा रहे हैं कि वो मेडिटेशन की पावर थी, ध्यान गुरु मंत्र की पावर थी, तो इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। पर अगर आप बहुत बड़ी चीजें करते हैं पर उसमें फिर आपकी पावर एक आम आदमी करे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, ईश्वर की पावर लेके कोई सैकड़ों टन के पत्थर को भी हाथ से रोक सकता है, जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने रोका। जी जी। अच्छा सर, आपकी जो मूवीज में जो मैसेज रहता है कि देश का कल्याण करें, लोगों का कल्याण करें, लेकिन आजकल कुछ मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने खुद नोटिस करा है, कई लोगों ने करा है कि भाई कुछ बाबा ऐसे हैं जो मतलब अपने फायदे के लिए लोगों को बुलाते हैं और उनको अपने उनको रिक्शा देने की बात करते हैं और उनका मिसयूज करते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे लोगों को मतलब दूर रहना चाहिए और उनके बारे में कुछ बताना चाहिए? हमारे वेदों के अनुसार गुरु शब्द का मीनिंग से गु का मतलब अंधकार, रू का प्रकाश, जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु है। गुरु कभी किसी से कुछ लेता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, गुरु देता है ज्ञान, गुरु बताता है सही रास्ता, और गुरु मिलवाता है भगवान से कि भाई तू ये मंत्र है इसका जाप करना, इसका अगर अभ्यास करेगा, जो मर्जी कपड़े पहन, जिस मर्जी धर्म में रहे, जैसा मर्जी, कोई वेशभूषा से भगवान को कुछ लेना देना नहीं। सोच अगर सही है तो जीन्स शर्ट में भी आप उसको देख सकते हैं, सोच अगर इधर गलत है तो आप चाहे गेरुआ हरा पीला लाल सफेद कुछ भी पहनो आप उसे नहीं मिल सकते। जो ऐसी बात बताए पर्सनल, आपका कोई फायदा ना उठा के आपका फायदा करे, वही गुरु है, अदरवाइज पाखंडवाद है। हमेशा से जब से दुनिया बनी है दो टाइप के यहाँ संत पीर फकीर आते रहे, सच्चे और झूठे, पाखंडवाद। तो सच्चे संतों को भी समाज ने नहीं छोड़ा, श्री राम जी, जी जो सीता माता, किसने छोड़ा उनको, क्या था कमी उनके अंदर, पूरे समाज को बदल के रख दिया था। और जो पाखंडी जो उनको तो समाज छोड़ेगा कैसे, कि इसलिए आज के दौर में ये जानना जरूरी है कि गुरु सच्चा,
तो आप उनसे कोई मंत्र लें, अदरवाइज हमें नहीं लगता कि जो आपसे मांगता है वो आपकी झोली भर देगा। जी जी। अच्छा सर, ये आप बॉलीवुड में आपने कई सारे ये लोगों को देखा है मूवीज में, ऐसा कुछ ऐसा आप चाहते हैं जो बदलाव आप देखना चाहते हैं बॉलीवुड में, या मतलब आपने देखा कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ? जी, हमें यही लगता है कि जो ये सिखाया जाता है सॉन्ग के द्वारा, सीन के द्वारा, कि भाई आप शराब पियो, साथ में अंडे खाओ, मछलियाँ खाओ, कि ये प्रवृत्ति बच्चों में आ जाती है कि मेरा हीरो, मेरा जिसको मेरा आईकॉन है वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करके देखूं। उसकी बजाय अगर ये कहें कि यार ये शराब देखो कैसे जला रही है, इसको फेंक दो, मेरे अंदर वैसी पावर आ गई, मैंने घी खाया, मैंने ये चीजें की, मेरे अंदर पावर एक्सरसाइज की, मैं तो मेरी बॉडी बनी, तो हमें लगता है कि समाज का भला हो। कहने का मतलब कि समाज को बदलने का मैसेज होना चाहिए एंटरटेनमेंट के साथ, ना कि समाज को बिगाड़ने। दो सवाल आपसे पूछूंगा। अभी कल हाल ही में जो एक आतंकवाद अटैक हुआ है हमारे देश में, जो कि बड़ा निंदनीय और काफी मतलब कायरतापूर्ण बात बोलेंगे, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि कितना देश आहत हुआ है चीज को लेके? बेहद बेहद। वो सेना के जवान अगर वो जागते हैं तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं, उनको आके इतने कायरतापूर्ण तरीके से मारना, इससे अफसोसनाक और दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता। और हमें लगता है कि हमें अपनी सीमा जो है वो इतनी पैक करके रखनी चाहिए कि वहां से पक्षी भी कोई पर ना मार सके, तो हो सकता है ये कभी इधर आ ही ना पाए, और आए तो फिर वो नुकसान कर ही ना पाए। तो ऐसा अगर हो जाए तो हमें लगता है ऐसे दुखांत कभी होना, और ऐसे देश जिनके अंदर से ऐसे ऐसे लोग उठ के आ रहे हैं, उन देशों को जल्द से जल्द हमारी सरकारें आतंकवादी देश घोषित करवा के छोड़े, ताकि उनका सब दाना पानी बंद हो बाहर से, तो अपने आप ही वो सुधरेंगे जब खाने पीने का खत्म होगा। और आप इतना देश के लिए इतना करते हैं, और इतना आप लोगों ने आपने सेवा करी, आपका जो डेरा सच्चा सौदा है उसमें सेवा करी, अब हाल ही में पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें आपका कोई भूमिका, किसी पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहेंगे और अपनी तरफ से? और दूसरी चीज ये है कि क्या भविष्य में आप देश के सेवा के लिए कभी किसी पार्टी को या अपनी कोई पार्टी बनाने का कुछ करेंगे, जैसे क्योंकि एक सच्चा इंसान अगर देशभक्त देश को चलाने के लिए करता है तो काफी लोग उससे उम्मीद बना के बैठते हैं। हमने राजनीति के बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही आने का कोई प्लान है। हमारा जो बात रही कि कोई राजनीति की बात, तो जैसे पंजाब की आप कह रहे हैं, तो उसमें हम पहले से भी बोलते आ रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं कि जो समाज में रहेगा, नशा छुड़वाए, कन्या भ्रूण हत्या छुड़वाए, बुराइयां छुड़वाएगा समाज में रहकर, एफिडेविट शासक बनाती है उस पर वो साइन करे कि मैं इसको फॉलो करूंगा, तो वो उनका साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपको आपकी मूवी के लिए शुभकामनाएं। हम चाहते हैं आपकी दोनों मूवी से ज्यादा बिजनेस इस मूवी का हो और लोग खूब उसको। जी सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। यही हमारी बातचीत यहाँ समाप्त होती है, और हम आपसे नेक्स्ट फिर किसी और सेलिब्रिटी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।